गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी एग्जांपल एक समझा था. नाउ सेकंड एग्जांपल, भाव्य एंड सलोक आर द पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2. ये लोग का रेशियो दिया है ओल्ड 3:2:2. बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म, हमको फॉर्म की बैलेंस शीट दी है 31/3/2017. ये हमारी लाइबिलिटी एंड बैलेंस शीट. अब सबसे पहले एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं. फर्स्ट है, आयुष ब्रॉट ₹5 लाख इन हिज कैपिटल एंड ₹1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, इसके लिए इसको सर्कल करेंगे. सेकंड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे नंबर 2. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस है तो नंबर 3 मशीन पे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप है तो हमारा डेटर्स पे नंबर 4. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज बी मेड आउट. आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस यहाँ पे हमारा नहीं दिया है तो इसके हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, तो इसको सर्कल. एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा यहाँ पे न्यू रेशियो हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का 2:1:2. अब हमें क्या करने बोला है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स पास जनरल एंट्री. हमें जनरल एंट्री पास करना है, जो हमने फॉर्मेट देखा था वो. प्रिपेयर रेवोल्यूशंस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. हमें रेवोल्यूशंस हमें कैसे बनाना वो हमें पता है, पार्टनर्स कैपिटल भी कैसे बनाना है. कैश बैंक नया है, वो एंट्री एक बनेगी, एक अकाउंट्स बनेगा अलग से एंड बैलेंस शीट बनेगा हमारा. सबसे पहले जनरल एंट्री, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में सीखा था सेम जनरल एंट्री वैसे ही करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कि लैंड एंड बिल्डिंग को हम असेट मीन्स हमारा यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है तो हम इसकी जनरल एंट्री जैसे हम करते थे लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रेवोल्यूशंस अकाउंट और कितने से इंक्रीज हुआ है 80,000, तो 80,000 रुपीज़. फिर वैल्यू ऑफ मशीन इज रिड्यूस हुआ है तो इसकी जनरल एंट्री कैसे थी, रेवोल्यूशंस अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट और रिड्यूस कितना हुआ है यहाँ पे क्या बोला है, रिड्यूस अप टू 1,60,000 मींस मशीन की कीमत कितनी थी 2 लाख और वो हो गए 1,60,000 मींस 40,000 से रिड्यूस हो गया तो यहाँ पे 40,000. वैसे ही सबकी जनरल एंट्री पास करेगी. अब हम बनाते हैं रेवोल्यूशंस अकाउंट, तो हम पहले चालू करते हैं हमारे कैपिटल साइड से मीन्स लाइबिलिटी साइड से. तो यहाँ पे कैपिटल्स दिया है तो इसकी हम एंट्रीज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में. टू बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भाव्य में 4 लाख एंड श्लोक में 3 लाख. ये हमारा पहले जनरेट हुई पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके. फिर जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आपस में बांट लेते हैं, वो उनके लिए उनका इनकम्स हो जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है तो हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल्स में जाके क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी हमारा क्रेडिट होता है तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व. और हमारा जनरल रिजर्व दिया था हमें टोटल यहाँ पे जनरल रिजर्व था 90,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनके रेशियो में जो उनका दिया था 3:2:2 मींस 90,000 × 3/5 तो 54,000 एंड सेम वैसे ही श्लोक का निकाला. फिर उसके बाद हमारा दिया है सेकेंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हमने जनरल रिजर्व को किया, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:2 के फॉर्म में. इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा रिजर्व है, तो हम सेम 10,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:2 में पार्टनर्स कैपिटल्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड. फिर क्रेडिटर से, क्रेडिटर में कोई पॉइंट नहीं बोला है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में. ऊपर कैपिटल के लिए हम 3 पॉइंट छोड़ेंगे क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं. फिर उसके नीचे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स और 1,40,000 डायरेक्टली हम ये करेंगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 1,40,000. बिल्स पेएबल्स में भी कोई पॉइंट नहीं है तो सिंपल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नीचे बिल्स पेएबल्स और आउटर कॉलम में 60,000, कोई भी पॉइंट नहीं है. नाउ हमारा यहाँ से गुडविल चालू हुआ,
अब यहाँ पे हमारा जो गुडविल है, तो जो भी गुडविल्स यहाँ पे दिया होता है पुराना, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, जो ओल्ड पार्टनर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जितना उनका रेशियो दिया है उतने के हिसाब से। तो यहाँ पे गुडविल है 1 लाख, तो यहाँ पे है डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे हम टू गुडविल करके, टू गुडविल। 1 लाख को हमने 3:2 में बांटा, तो इसका या 60,000 और इसका 40,000, जो भी हमारा बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा वो हमेशा पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी ओल्ड पार्टनर, जो पुराने पार्टनर से सिर्फ वही, तो उनके, और वो भी ओल्ड रेशियो में जो दिया है वो। लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा पॉइंट था कि लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 3,50,000, उसमें प्लस करेंगे 80,000, और आउटर कॉलम में हमारा जाएगा 4,30,000। मशीनरी, मशीन का सेकंड हमारा थर्ड पॉइंट था, तो इनर कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट में मशीन 2 लाख, और हमारा क्या हो गया है 1,60,000, तो आउटर कॉलम में 1,60,000 और माइनस करेंगे 40,000। और इन दोनों की एंट्री, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी तो उसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा, रेवल्यूशंस के क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग करके 80,000। मशीन हमारा रिड्यूस हुआ है तो रेवल्यूशंस के डेबिट साइड में मशीन अकाउंट करके 40,000। स्टॉक, स्टॉक में कोई एंट्री नहीं बोला है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में स्टॉक 1,80,000 आउटर कॉलम में, डेटर्स 1,12,000 इनर कॉलम में, और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि बैड डेट रिजर्व रखना है 10%, तो 1,20,000 का 10% होता है 12,000, तो हम माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व, मीन्स हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व 12,000, और आउटर कॉलम में आएगा 1,08,000। इसमें सेम हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में हमारा ये बैड डेट है तो रेवल्यूशंस के डेबिट साइड में हमने ऑलरेडी 10,000 रखा था, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व हमने 10,000 निकाल के रखा था, टोटल हमारा बैड डेट कितना हुआ 12,000, तो 10,000 तो ऑलरेडी हमारा पहले से था हमारे पास रिजर्व, तो हमारा लॉस कितने का हुआ सिर्फ 2,000 का। तो रेवल्यूशंस अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैड डेट 12,000 में से 10,000, आउटर कॉलम में सिर्फ 2,000, मीन्स हमारा लॉस सिर्फ 2,000 का हुआ है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं बोला है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में असेट में इन्वेस्टमेंट एंड 20,000। अब ये हमारा कैश बैंक, ये हमारा नया है, तो कैश बैंक का हमने यहाँ पे सेपरेट अकाउंट्स बनाया है कैश बैंक अकाउंट करके, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है इसलिए कैश बैंक में डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50,000। फिर यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कंपेंसेशन एक्सपेंडिचर, जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो भी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कंपेंसेशन एक्सपेंडिचर, और हमारा कितना था 10,000, उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स 6,000 एंड 4,000। तो ये हमने सारा लाइबिलिटीज एंड बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट। अब हमारा एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज रह गई थी जो हमने सर्कल की थी वो वाली, जैसे कि पहले है हमारा आयुष ब्रॉट ₹5 लाख इन हिज कैपिटल, वो कैपिटल लेके आ रहा है तो इसके लिए उसका कैपिटल हुआ, तो हम इसकी एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि वो 5 लाख पैसे लेके आ रहा है, और आयुष के अकाउंट में 5 लाख वो कैश लेके आ रहा है, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया तो उसकी दूसरी इफेक्ट क्या हो गई, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू आयुष कैपिटल ₹5 लाख। ये हमारी हुई फर्स्ट, उसमें अलग से हमारा दिया है ₹1 लाख एज ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश गुडविल में लेके आ रहा है, तो सबसे पहले हम जो भी गुडविल आता है, हमने इफेक्ट स्टार्टिंग में पढ़ी थी जब थियोरी देखा था कि गुडविल कोई भी पार्टनर्स लेके आता है
तो वो कैश लेके आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पार्टनर्स अकाउंट को कैश वो लेके आ रहा है, तो कैश कम सीन है तो कैश हमारा डेबिट होगा, और जो पार्टनर है वो हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो गए, क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो इनकम से यहाँ पे। तो इसके लिए, और वो भी हमें कौन से रेशियो में करना होता है, सेक्रीफाइस। तो पहले हमें एक सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हमारा दिया है 3:2 और न्यू हमारा दिया है 2:1:2। तो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया है ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने स्लो का भाव्य का कैलकुलेट किया, 3/5 - 2/5, न्यू हमारा 2+1+2=5 टोटल, और भाव्य का 2 है तो 2/5 तो आया 1/5। वैसे स्लोप का फाइंड किया तो उसका भी आया 1/5। तो हमारा सेक्रीफाइस कितना है, 1:1 मीन्स इक्वल। तो हमारा जो 1 लाख गुडविल है वो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 50,000 50,000। तो इसकी हमारी एंट्री होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ₹50,000 50,000। एंड इसकी सेकेंड एंट्री वो कैश लेके आ रहा है, इसके लिए 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल ₹1 लाख कैश के अकाउंट में डेबिट साइड में। ये हमारी हुई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड हमने ऑलरेडी कर दी है, थर्ड मशीन की भी कर दी है, डाउटफुल डेट हमने कर दिया है। फिफ्थ वाला प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस, ये हमारा बाकी है। एक्सपेंस है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 8,000, और ये हमारा एक्सपेंस है तो रेवल्यूशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिपेयरिंग एक्सपेंस ₹8,000। हमने सारी एंट्री कर ली, बैलेंस शीट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हमारा पूरा, लायबिलिटी साइड असेट साइड सेम हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। अब हमारा यहाँ पे टैली करना है, तो हमने सबसे पहले रेवल्यूशन अकाउंट में हमारा यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे हमारा 40+2,000 मतलब 42+8,000 मतलब 50,000, तो हमारा गैप आया 30,000 का। तो ये हमारा प्रॉफिट है, तो हमने प्रॉफिट लिखा 30,000, और हमने दोनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, तो भाव्य को मिला 18,000 और श्लोक को मिला 12,000। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रेवल्यूशन अकाउंट भाव्य में 18,000 और श्लोक में 12,000। फिर हम यहाँ का टोटल करेंगे, आयुष का हमारा 5 लाख था क्रेडिट में, डेबिट में कुछ भी नहीं था, तो हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 5 लाख का 5 लाख। श्लोक का हमने टोटल किया तो 4,10,000 आया, 4,10,000 से हमने 4,40,000 को माइनस किया तो हमारा आया 3,66,000 जो हमारा है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वैसे हमने भाव्य का टोटल किया तो 5,40,000 आया, इसमें से हमने माइनस किया 60,000 और 6,000, तो 4,74,000 ये आया हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा क्या है, कैपिटल। तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो भाव्य 4,74,000, श्लोक का 3,66,000 और आयुष का 5 लाख, टोटल हमारा हुआ 13,40,000। फिर अब हम सेम कैश और बैंक हमारा कैलकुलेट करेंगे, उसको टैली करेंगे, तो हमने यहाँ पे टोटल किया तो हमारा आया 6,50,000। क्रेडिट में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं था, तो ये हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया और आया हमारा 6,50,000। अब ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हम अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड मीन्स असेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि असेट हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश बैंक अकाउंट 6,50,000, ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया कैश बैंक 6,50,000। अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, तो बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी साइड 3,13,40,000+1,40,000+60,000+8,000, तो टोटल आया हमारा 15,48,000। सेम वैसे ही हमने असेट का हम टोटल करेंगे, 4,30,000, 1,60,000, 1,8,000, 1,80,000, 20,000 and 6,50,000, तो टोटल आया 15,48,000। मीन्स हमारा बैलेंस शीट तो टैली हुआ, लाइबिलिटी इक्वल टू असेट दोनों इक्वल है, तो हमारा टैली हुआ, मीन्स हमारा मेथड जो है वो जो भी हमने सम्स किया है ऊपर सारी एंट्रीज की है वो हमारी करेक्ट है। तो ये बहुत इजी टाइप का सम्स था, सिर्फ इसमें एक नया पॉइंट आया था हमारा, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सम्स देखा था
सेम सारे वैसे ही एंट्रीज करने थे, जनरल एंट्री, ऐड हो तो ऐड प्लस करना है, माइनस हो तो रिडक्शन करना है, फिर उसकी रेगुलेशंस में क्रॉस एंट्री करनी है, बैलेंस शीट का कैपिटल को क्लोज करके उसको बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफ़र करना है, रेगुलेशन को क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। दो नए पॉइंट्स आए, एक कैश बैंक का नया पॉइंट आया, मीन्स हमने एक नया अकाउंट बनाया जो है कैश बैंक, और दूसरा हमने गुडविल, ये हमारा गुडविल का एक नया पॉइंट आया, जो कैपिटल और गुडविल का, क्या अगर वो पैसे लेके आ रहा है तो उसका एक नया पॉइंट है हमारा। सो ये न्यू एंट्री है, बाकी सारी हमारी सेम है, मीन्स हमारा सिर्फ एक ही न्यू पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये आयुष ब्रॉड वाला जो नंबर वन है वो न्यू पॉइंट है, बाकी हमने ऑलरेडी जो किया था वैसा ही है। तो एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही टाइप के सम्स हैं, डू योर सेल्फ, बहुत ईजी है। थैंक यू।